होने की कोई है क्या कुछ न्यूज़ अभी कॉलेज की तरफ से तो नहीं है। अच्छा नहीं सर, अभी गाइडलाइन आई है कि 1 तारीख से कुछ हाँ शुरू करेंगे ऐसा कुछ। नहीं नहीं सर, अभी कॉलेजों का 17 तारीख से आया है अखबार में, तो 1 तारीख, नवंबर हाँ 17 नवंबर अखबार अच्छा में आया ना, आज पेपर में। हाँ अच्छा ठीक है सर, आजकल तो मैंने पेपर देखा नहीं इसलिए पूछ रहा था तो अगर कॉलेज का, सर। सिक्स स्ट्रोक इंजन के अंदर भी आईसी इंजन होता है क्या? मतलब सर सिक्स स्ट्रोक इंजन जो होता है वो भी आईसी इंजन होता है? सिक्स स्ट्रोक? यस सर सिक्स स्ट्रोक यस सर आईसी इंजन ही होता है, जी सर। अच्छा आईसी इंजन ही होता है। हाँ सर सिक्स स्ट्रोक होनी है ना, कहाँ देख लिया आपने? हेलो क्या सर? कहाँ पे देखा है सिक्स स्ट्रोक इंजन, कहाँ पे पड़ा? सर ये तो अभी मतलब रिसेंट लास्ट 2 ईयर से तो काफी इसके बारे में सुनने में आया था, मतलब काफी हाँ आया था। अच्छा है कि इसमें ऑल्टरनेटिव मतलब कंबशन होता है, तो मतलब मेरे को कंफ्यूजन था कि वो इंटरनल कंबशन होता है कैसे होता है, क्योंकि मैं इसको ज्यादा में पढ़ा नहीं सर इसलिए। क्योंकि वो क्या है सर, उसके फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा रखता है, मतलब उसकी एडवांटेज ये है कि वो फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होती है और मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी और ना एमिशन जो होता है वो कम होता है उसमें। पावर ज्यादा जनरेट हो सकती है उसमें। हाँ सर इसलिए तो हम सिक्स स्ट्रोक इंजन का यूज हो रहा है, बट अभी इतना यूज में नहीं आया क्योंकि वो उसमें बल्कि हो काफी टाइम लगता है जाता सर है उसमें। उसके मतलब क्या सर? कुछ डिसएडवांटेज ज्यादा है 4 स्ट्रोक से, इसलिए यूज में नहीं लेते इसको। सर उसके डिसएडवांटेजेस तो मेरे को लगे नहीं सर ऐसे, क्योंकि हम जितने अभी इंजन यूज कर रहे हैं मतलब 4 स्ट्रोक यूज कर रहे हैं तो हाँ उसमें भी डिसएडवांटेजेस तो है ही, बट ऐसे मेरे को कंपेरेबल लगा कि ठीक है वो कंपेरेबल है, तो अच्छा, इसलिए मैं पूछा था कि ऐसा क्यों, मतलब कि क्योंकि सर इसमें से उसकी मतलब हीट एफिशिएंट मतलब उसकी थर्मोडायनेमिकली वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है सिक्स स्ट्रोक वाला, मतलब जो अच्छा उसके हाँ इनटेक स्ट्रोक है वो अच्छा है, कंप्रेशन स्ट्रोक है, वाल्व स्ट्रोक है, ये वॉल्यूम बेस्ड और अच्छे हैं फंडामेंटली, मतलब इनका काफी सुपीरियर है फंडामेंटल। ठीक है ठीक। लेट्स स्टार्ट टुडे, टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट नाउ। देन वी हैव रीच्ड द प्रोड्यूसर गैस। व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस? ठीक है, द प्रोड्यूसर गैस इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एयर विद बायोमास। बायोमास इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट C2CHO एंड सम नाइट्रोजन, एंड हैज द ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन लाइक CO2 एंड H2O। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इसमें कंबशन लाइक प्रोडक्ट क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं वो? CO2 एंड H2O। द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन द एयर ऑक्सीडाइज। जो O2 के मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज C and H2 प्रोड्यूस, और कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं दिस प्रोडक्ट्स। द गैसेज विच आर एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन पास थ्रू ए बेड ऑफ चारकोल विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेल्फ, एंड द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज विद कार्बन लीड टू कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जो मेन जो फंडा है इसका, द गैसेज विच आर एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन पासेस थ्रू ए बेड, चारकोल की बेड होती है वहां पास करते हैं, एंड द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ दीज गैसेज विद कार्बन लीड्स टू कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो जनरली जो एमिशन होता है वो कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन का होता है। कंबशन इन इज ए डबल देयर इज अ बेड ऑफ द चारकोल विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इटसेल्फ। ठीक है, सर बड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेंगे क्या सर, दिखाई कम दे रहे थे। FI, सर FI दो दीजिए वो बड़ी हो जाएगी सर उसमें। उसके बाद है वो प्रोड्यूसर गैस में जो वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज CO H2। CO होता है 16 से 20 एंड H2 होता है 16 से 18%, CO2 8% एंड सम ट्रेसेस ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। एंड तो ये सब इसमें कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और मोल प्रोड्यूसर गैस में। प्रोड्यूसर गैस हैज ए हाई परसेंटेज ऑफ N2। N2 भी होता है सिंस एयर इज यूज्ड, क्योंकि इसमें एयर यूज लेते हैं तो उसमें N2 की कंपोजिशन भी होता है। सो इट हैज ए लो हीट वैल्यू।
तो एन टू की वजह से इसमें हीट वैल्यू कम होती है, डेंसिटी ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज 0.92 1.2, ये तो ठीक है। प्रोड्यूसर गैस इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड फर्नेस, आप कहाँ पे यूज में लेते हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कहाँ पे यूज में लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो प्रोड्यूसर गैस इज यूज इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड फर्नेसेस, यहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं। इट नीड्स लिटिल एयर टू बर्न स्टोइकोमेट्रिकली एंड रेज द टेम्परेचर टू ए वैल्यू ऑफ 1500 केल्विन एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी ये 1500 केल्विन का टेम्परेचर जनरेट कर सकती है, एंड लिटिल एयर टू बर्न स्टोइकोमेट्री, ठीक है, स्टोइकोमेट्री रेशियो जो है उसमें लिटिल एयर की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू पावर गैस टर्बाइन ऑल्सो, कहाँ, और ये भी ये चीज है जो कहाँ पे यूज में आती है, मेन जो क्वेश्चन आपका जो आता है वो यही आता है, अगर आता है तो इन चीजों में, ये जो नेचुरल फ्यूल्स में आता है। इट इज ऑल्सो यूज टू पावर गैस टर्बाइन, ठीक है, विच आर वेल सुटेड ऑफ फ्यूल्स ऑफ लो कैलोरीफिक वैल्यू। पावर गैस टर्बाइन में क्या होता है, विच आर वेल सुटेड टू फ्यूल्स ऑफ लो कैलोरीफिक, मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल्स के लिए गैस टर्बाइन जो है वो बेटर होता है। स्पार्क इग्नाइटेड इंजन और स्पार्क इग्नाइटेड इंजन में यूज में लेते हैं इसको, और डीजल इंटरनल कम्बशन इंजन, ठीक है, वेयर 40% एंड 50% ऑफ ओरिजिनल डीजल फ्यूल इज स्टिल यूज टू इग्नाइट द गैस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस का क्या है, कहाँ कहाँ यूज में लेते हैं, एक तो पावर गैस टर्बाइन में, स्पार्क इग्नाइटेड इंजन में, और दूसरा है यूज इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन और फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस गैस। अब व्हाट इज द ब्लास्ट फर्नेस गैस, इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मेल्टिंग आयरन ओर इन स्टील प्लांट्स, इट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ सीओ एंड कंटेन्स लो हीट वैल्यू सिमिलर टू प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, इसमें भी लो हीट वैल्यू होती है, और जनरली यूज कहाँ पे यूज मिलता है, टू बाय मेल्टिंग आयरन ओर इन स्टील प्लांट, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60% नाइट्रोजन, 18-20% CO2 एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच आर नॉट फ्लेमेबल, then it may be combined with natural gas or coke oven gas before combustion, or a flame support with richer gas or oil is provided to sustain combustion, ठीक है। तो किसके साथ हम यूज में लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, CO2 होती है, ऑक्सीजन होता है, कॉम्बिनेशन के रूप में हम नेचुरल गैस और ओवन गैस के यूज में भी ले सकते हैं, एंड विद रिचर गैस और ऑयल इज प्रोवाइडेड टू सस्टेन, ऑयल का क्या यूज है इसमें, सस्टेन कम्बशन, कम्बशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, for the some time. The auto ignition temperature of blast furnace gas is approximate 630 degree centigrade and it has lower explosive limit. Isko auto ignition temperature of blast furnace gas kitna hota hai? 630 and it has lower explosive limit LEL of 27% and upper explosive limit of UEL of 75% in air gas mixture at normal temperature and pressure. Yahan tak theek hai, yahan tak? The gas is hazardous due to higher concentration of carbon monoxide. मतलब ये गैस हजारडियस, मतलब बहुत ही हार्मफुल होती है, ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड, आपको पता है ये कार्बन मोनोक्साइड बहुत हार्मफुल होती है, इट शुड बी क्लीन प्रॉपरली बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ब्लास्ट फर्नेस गैस डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है कोक ओवन गैस, it is produced during the making of coke, it is also resulting from oxidation reduction reaction of coal or coke with air and sometimes steams, making of coke, it is also resulting from oxidation reaction of coal or coke with air and sometimes steam. to ye kaise generate hoti hai, ye isme likha hua hai reaction of the coke and air and sometimes steams, it depends upon the type of coal used and operation methods of oven, टाइप ऑफ कोल यूज पे डिपेंड करता है इसका जो यूज कहाँ लेनी है। द कम्पोजिशन ऑफ कोक ओवन गैस इज हाइड्रोजन इज 54%, CH4 24%, CO 8% एंड CO2 इज 6% एंड सम ट्रेसेस ऑफ हायर कार्बोकार्बन एंड नाइट्रोजन, सम ट्रेसेस मतलब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन भी सम अमाउंट में इसमें होती है। विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट द हेवियर हाइड्रोकार्बन आर क्रैक्ड एंड वोलेटाइल पोर्शन ऑफ कोल इज ड्राइवन ऑफ एंड रिजल्ट्स इन हाई कम्पोजिशन ऑफ H2 एंड CH4। तो इसका एप्लीकेशन ऑफ हीट इसके साथ क्या है, इट इज क्रैक्ड एंड वोलेटाइल पोर्शन ऑफ द कोल इज ड्रिवन ऑफ, वोलेटाइल पोर्शन कोल इज ड्रिवन ऑफ एंड रिजल्ट इन हाई कंपोजिशन ऑफ H2 एंड CH4 जनरेट होता है ड्यू टू द कंबशन। इट्स हीट वैल्यू पर क्यूबिक मीटर इज ओनली अबाउट 1/2 दैट ऑफ द नेचुरल गैस एंड डेंसिटी इज 0.40 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है,
इसकी जो हीट के हीट वैल्यू पर क्यूबिक मीटर इज ओनली अबाउट वन हाफ दैट ऑफ द नेचुरल गैस एंड डेंसिटी इज 0.4 किलोग्राम मीटर क्यूब. यहाँ तक सारी अपने जो फ्यूल हो गए अल्टरनेटिव फ्यूल्स आ गए जी. इसके बाद फ्यूल्स की स्पेसिफिकेशन देख ली थी, क्या क्या फ्यूल्स में स्पेसिफिकेशन होती है ये आपको जनरली पता होना चाहिए. जनरल फ्यूल स्पेसिफिकेशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है या रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू, फ्लैश पॉइंट, स्पेसिफिक हीटिंग हीट वैल्यू, फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन इन सरफेस टेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, इसके बाद हम अब इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, कितनी होती है फ्यूल्स की, तो होती क्या रिलेटिव डेंसिटी, इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल टू द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर बोथ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 101.325 किलो पास्कल. तो रिलेटिव डेंसिटी का क्या होती है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल टू द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फ्यूल्स. फॉर गैसोलीन के लिए कितनी होगी, इसकी रिलेटिव डेंसिटी इज अराउंड 0.72 टू 0.78 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एन अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट एपीआई रेंज ऑफ 65 टू 50. तो गैसोलीन की रिलेटिव डेंसिटी होती है 0.72 टू 0.78. इसमें रो जो होता है, रो इज इक्वल टू 700 डेंसिटी का जो सिंबल है, 700 टू 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर अनलेडेड गैसोलीन. अनलेडेड गैसोलीन के लिए 700 टू 800, दिस वैल्यू इज हायर ड्यू टू द एरोमेटिक्स फॉर डीजल फ्यूल. एक मिनट वेट करिए. हेलो, हाँ हो गया. फॉर अनलेडेड गैसोलीन के लिए 700 टू 800 किलोग्राम मीटर क्यूब, दिस वैल्यू इज हायर ड्यू टू द एरोमेटिक्स फॉर डीजल फ्यूल. और फॉर डीजल फ्यूल के लिए ये रो कितना होता है, 830 टू 950 किलोग्राम पर मीटर. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है फ्यूल कंपोजिशन, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन कंटेंट ऑफ एरोमेटिक्स इज अराउंड 89% एंड पैराफिन एंड नेप्थिन इज अराउंड 86%. बेंजीन मैक्स मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन इज स्पेसिफाइड बिकॉज इट इज हाईली टॉक्सिक मटेरियल. द लेवल इज 5%. सल्फर कंटेंट, हाइड्रोकार्बन फ्यूल कंटेन फ्री सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर सल्फर कंपाउंड विच आर ऑब्जेक्शनेबल. इट इज अ कोरोसिव एलिमेंट दैट कैन कोरोड फ्यूल लाइन्स, कार्बोरेटर एंड इंजेक्शन पंप. जो सल्फर कंटेंट का क्या हार्मफुल है, इट कैन बी कोरोसिव एलिमेंट दैट कैन बी कोरोड फ्यूल लाइन्स, कार्बोरेटर एंड इंजेक्शन पंप को कोरोड कर सकते हैं. ठीक है, सल्फर कोरोड कर सकता है इन जो पार्ट्स को. इट विल यूनिट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड. इट विल यूनाइट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड विच इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर फॉर्म सल्फरस एसिड, जो कि वाटर के प्रेजेंस में और लो टेम्परेचर पे सल्फरस एसिड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सी है स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू. व्हाट इज स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू, एच यू इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी कंटेंट ऑफ द फ्यूल पर यूनिट मास, किलो जूल पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम. गैसियस फ्यूल या स्पेशल स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, गैसियस फ्यूल्स के लिए किस टर्म्स में की जाती है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में हम इसको गैसियस फ्यूल के लिए डिफाइन करते हैं. और जो मेजर ऑफ एनर्जी कंटेंट ऑफ द फ्यूल पर यूनिट मास, ये हो गया. इसके बाद है एन आईसी इंजन, लोअर हीटिंग वैल्यू इज गिवन एज द कंबशन प्रोडक्ट कंटेन वाटर इन वेपर फॉर्म.
फॉर गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल जो स्पेसिफिक हीटिंग वैल्यू कितनी होती है, 42,000 टू 44,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और 10,200 टू 10,500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम फॉर गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल्स के लिए इतनी होती है। हीटिंग वैल्यू ऑफ द कम्बस्टेबल एयर फ्यूल मिक्सचर इज अ डिसीजिव फैक्टर फॉर इंजन परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हीटिंग वैल्यू क्या काम आती है, ऑफ द कम्बस्टेबल एयर फ्यूल मिक्सचर इज अ डिसीजिव फैक्टर फॉर इंजन, इंजन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हीटिंग वैल्यू का जो पता होना चाहिए कि इसकी हीटिंग वैल्यू कितनी है कम्बस्टेबल एयर फ्यूल मिक्सचर की। देन द लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ सैंपल एट विच द फ्यूल वेपर स्टार्ट टू इग्नाइट व्हेन इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे फ्यूल है वो वेपर होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज इग्निशन सोर्स। ठीक है, वहां से आपका इग्निशन सोर्स चालू हो जाता है, वेपर पहले वेपर में होगा फिर उसके बाद इग्नाइट होगा। ठीक है, मार्कसन मेथड, फ्यूल कंटेनर इज स्लोली हीटेड व्हाइल द फ्यूल वेपर इज इन कॉन्टेक्ट विद एन ओपन फ्लेम, टी इज मेजर्ड। फॉर गैसोलीन इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डीजल फ्यूल एंड डीजल फ्यूल के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हैवी डीजल 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर सीआई इंजन, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस फ्यूल मीटरिंग ऑरिफिसेस, सिंस आर ई इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ द फ्यूल विस्कोसिटी। लोअर द विस्कोसिटी स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स इन द, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो क्या होगा, स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स इन द स्प्रे। स्प्रे जो होता है फ्यूल इंजेक्ट होता है उसका डायमीटर कम होगा अगर विस्कोसिटी कम है तो। ठीक है, बिलो सर्टेन लिमिट लो विस्कोसिटी इंक्रीजेस द लीक्स इन द फ्यूल सिस्टम। अगर विस्कोसिटी कुछ लिमिट तक क्या होता है, लो विस्कोसिटी से लीक्स इन द फ्यूल सिस्टम में लीक्स होने की संभावना पॉसिबिलिटी होती है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टी, मस्ट बी गिवन एट सर्टेन टी वैल्यूज। इट इज जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये आपको पता ही होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे मस्ट बी गिवन एट सर्टेन टी वैल्यू। तो एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड विस्कोसिटी 1.5 to 5 एंगुलर और 0.5 to 0.6 सेंटीस्टोक्स। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.5 to 5.0 तक इसकी विस्कोसिटी होती है फ्यूल की। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज ए पैरामीटर विच इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स इन स्प्रेज। व्हाट इज द सरफेस टेंशन इज ए पैरामीटर विच इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स इन स्प्रे। स्प्रे फॉर्म में अगर फ्यूल आप ऑटोमाइज कर रहे हैं स्प्रे फॉर्म में तो उसको इफेक्ट करता है सरफेस टेंशन, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीजिंग द सरफेस टेंशन विल रिड्यूस मास फ्लो रेट एंड एयर फ्यूल रेशियो इन गैसोलीन इंजन। अगर हम सरफेस टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो मास फ्लो रेट रिड्यूस होगा एंड एयर फ्यूल रेशियो भी रिड्यूस होगा इन गैसोलीन पेट्रोल इंजन में। और लोअर द वैल्यू स्मॉलर द ड्रॉपलेट डायमीटर। अगर सरफेस टेंशन कम होगा तो ड्रॉपलेट डायमीटर क्या है, जो स्प्रे कर रहे हैं हम उनके ड्रॉपलेट्स का डायमीटर भी कम होगा। डीजल फ्यूल वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 0.023 0.032 न्यूटन पर मीटर एंड फॉर गैसोलीन इट इज 0.019 to 0.023 न्यूटन पर मीटर। तो ये इसकी वैल्यू है सरफेस टेंशन की डीजल फ्यूल के लिए और गैसोलीन फ्यूल के लिए। अब है लास्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रेसिपिटेशन ऑफ पैराफिन क्रिस्टल्स इन विंटर कैन लीड टू क्लॉग फिल्टर। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइदर रिमूविंग पैराफिन फ्रॉम द फ्यूल और एडिंग फ्लो इम्प्रूवर। अब क्या है, पैराफिन जो क्रिस्टल्स होते हैं सर्दियों में कैन लीड टू क्लॉग फिल्टर, जो फिल्टर्स को क्या कर देते हैं, चौक कर देते हैं, क्लॉग कर देते, जाम कर देते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइदर रिमूविंग पैराफिन फ्रॉम द फ्यूल। और इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, बाई एडिंग द रिमूविंग बाई रिमूविंग पैराफिन फ्रॉम द फ्यूल और एडिंग फ्लो इम्प्रूवर या एडिटिव। या तो पैराफिन को रिमूव करेंगे या फिर एडिटिव्स को हम उसमें ऐड करेंगे, एडिंग फ्लो इम्प्रूव। एडिटिव्स को क्या बोलते हैं, फ्लो इम्प्रूवर्स। नेक्स्ट है पॉइंट, जो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय इट्स फिल्टरेबिलिटी। एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय इट्स फिल्टरेबिलिटी। जो एंटी फ्रीज प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन होती है, बाय इट्स फिल्टरेबिलिटी। फॉर गैसोलीन फ्रीजिंग पॉइंट इज -65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर डीजल फ्यूल -10। फ्रीजिंग गैसोलीन के लिए
फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -55 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉर डीजल फ्यूल -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपना फ्यूल कंपोजिशन में मिस हो गया था। ये फ्यूल कंपोजिशन जो पार्ट है कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन सल्फर कंटेंट, इसके बाद हमने ये मिस हो गया था। फ्यूल कंपोजिशन में गम डिपॉजिट भी होता है, वाटर भी होता है, लेड भी होता है, मैगनीज भी होता है, एंड ऑक्सी ऑक्सीजनेट्स भी होता है। ठीक है, तो अब ये गम डिपॉजिट में गैसोलीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये देख वाटर लेड, लेड का कितना अमाउंट होता है, व्हाट इज द लेडेड एंड अनलेडेड गैसोलीन एग्जोसिस्टम। ठीक है, और मैगनीज यूज फॉर एंटी नॉक इन गैसोलीन। तो मैगनीज किस लिए यूज में रखते हैं? फॉर द एंटी नॉक इन गैसोलीन। मैक्सिमम अमाउंट इज स्पेसिफाइड लाइक दिस। ऑक्सीजनेट्स ऑक्सीजनेट्स कंपाउंड सच एज एल्कोहल आर यूज इन गैसोलीन टू इम्प्रूव ऑक्टेन रेटिंग। जो अल्कोहल है वो क्या क्या इसका क्या यूज है? टू इम्प्रूव द ऑक्टेन रेटिंग। ठीक है, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मस्ट बी मॉडिफाइड टू कंपनसेट फॉर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द फ्यूल। जो कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मस्ट बी मॉडिफाइड टू कंपनसेट फॉर द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द फ्यूल। ब्लेंड्स विद 50% मेथनॉल कैन बी यूज। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर द टू कंपनसेट फॉर ऑक्सीजन कंटेंट, हम ऑक्सीजन कंटेंट को कंटेन करने के लिए 15% मेथनॉल हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये था अपना फ्यूल कंपोजिशन। फ्यूल में क्या क्या आपके पार्ट क्या क्या फ्यूल्स कौन कौन से कंस्टेंट कंटेंट्स होते हैं? ये सारे कंटेंट्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन बेंजीन सल्फर कंटेंट गम डिपोजिट वाटर लेड मैगनीज ऑक्सीजनेट एंड मैथेनॉल। अब है इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फॉर गैसोलीन। पहला है गैसोलीन वोलेटिलिटी। बेंजीन फॉर एग्जांपल है वेपर प्रेशर ऑफ 0.022 मेगा पास्कल एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्लोज्ड कंटेनर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन एवरेज इनटिल द पार्शियल रो। इसके बाद हैज ए वैल्यू ऑफ, ये आप पढ़ लेना, देख इसमें कुछ डिस्कस करने का है नहीं। गैसोलीन की तो आप ये याद रखें, गैसोलीन वोलेटिलिटी होती है इंपॉर्टेंट फ्यूल स्पेसिफिकेशन गैसोलीन वोलेटिलिटी। एंड इसके बाद गैसोलीन डिस्टिलेशन कर्व, इट हैज ए स्मूथ डिस्टिलेशन कर्व विद गुड फ्रैक्शनेशन एफिशिएंसी। तो गैसोलीन का जो डिस्टिलेशन कर्व स्मूथ होता है विद गुड फ्रैक्शनेशन एफिशिएंसी के साथ, लो फ्रैक्शनेशन एफिशिएंसी इफेक्ट्स इंजन परफॉर्मेंस एट डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक है, अगर लो फ्रैक्शनेशन एफिशिएंसी है वो क्या करेगी? इंजन परफॉर्मेंस को डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन पे इफेक्ट करेगी। इफ डिस्टिलेशन कर्व इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड गैसोलीन बिकम्स मोर वोलेटाइल, पुअर हॉट स्टार्ट, वेपर लॉक, हाई एवेपोरेटिव लॉसेस। ये डिस्टिलेशन कर्व है गैसोलीन का। अगर गैसोलीन इज कर्व डाउनवर्ड नीचे जा रहा है तो गैसोलीन बिकम्स मोर वोलेटाइल होगा, पुअर हॉट स्टार्ट होगा और वेपर लॉक होगा और हाई एवेपोरेटिव लॉसेस होंगे उसमें। ठीक है, गैसोलीन डिस्टिलेशन कर्व। Gasoline having boiling point up to 70 degree centigrade controls age of starting and hot weather problems such as vapor lock. Gasoline में क्या होता है? Boiling point तो 70 degree centigrade control age of starting, मतलब ये जो है इसकी वजह से starting जो आपकी starting combustion होता है, starting होती है, ये controls इसको control करता है, and hot
वेदर प्रॉब्लम्स सच एज वेपर लॉग, और हॉट वेदर प्रॉब्लम को भी ये, जैसे कि वेपर लॉग जो हॉट वेदर प्रॉब्लम में होती है उसको भी आपको सॉल्व करता है, कंट्रोल करता है। मिड रेंज कंट्रोल्स द ड्राइविंग इन कोल्ड वेदर्स, जो मिड रेंज है बॉइलिंग पॉइंट की हैविंग जो गैसोलीन डिस्टिलेशन कर्व में जो क्या है, डिस्टिलेशन कर्व में जो मिड रेंज है कंट्रोल्स द ड्राइविंग इन कोल्ड वेदर्स पार्टिकुलरली एट वार्म अप पीरियड ऑफ द इंजन। और जो कोल्ड वेदर्स में जो ड्राइविंग है उसको अगर मिड रेंज में अगर गैसोलीन का डिस्टिलेशन कर्व आ रहा है तो उसको आप उसको क्या कंट्रोल करेगा। इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द आइस फॉर्मिंग इन कंप्यूटर कार्बोरेटर, तो जो मिड रेंज में जो है आइस फॉर्म भी आइस फॉर्मिंग को भी ये इन्फ्लुएंसेस करेगा इन द कार्बोरेटर। इसके बाद है बैक एंड ऑफ द कर्व, जो इसका बैक एंड है जिसमें गैसोलीन में टेम्परेचर और परसेंटेज इवेपोरेशन पे कर्व दिखाया हुआ है। फर्स्ट हैवी डीजल, डीजल फ्यूल, समर गैसोलीन, विंटर गैसोलीन एंड ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो इट इज फॉर बेंजीन। देन बैक एंड ऑफ द कर्व कंटेन्स ऑल द हैवियर हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स एंड दीज हैव हाई हीट कंटेंट, दे आर इंपॉर्टेंट इन इंप्रूविंग फ्यूल इकोनॉमी फॉर फ्यूल वार्म्ड अप इंजन। अभी मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं अभी दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके Thank you.
हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था, गैसोलीन वोल्टेज शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, पार्टिकुलरली एम्बियंट वोल्टेज शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। टेम्परेचर अल्टीट्यूड हैज सम माइनर इफेक्ट ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, ठीक है। टेम्परेचर जो अल्टीट्यूड हैज सम माइनर इफेक्ट ड्यू टू प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है, और इट इज हाइट हैज अ माइनर इफेक्ट ऑन द गैसोलीन वोलेटिलिटी। इट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ। कोल्ड स्टार्टिंग, व्हाट इज कोल्ड स्टार्टिंग? अब देखते कोल्ड स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्ट नहीं होता इंजन, तो उसके लिए क्या था, फॉर ऐसा इंजन टू स्टार्ट एयर फ्यूल रेशियो मस्ट बी विद इन द इग्नाइटेबल रेंज, या फिर इन जनरल मस्ट बी बिटवीन 7:1 to 20:1 बाई वेट, ठीक है। यहाँ पे इस रेशियो बढ़ गया है, अपना जो रेशियो होता है 6:14 होता है, ये 7:20 हो गया है इन द केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग। व्हेन द इंजन इज कोल्ड इट इज डिफिकल्ट टू इग्नाइट लीन मिक्सचर, ठीक है। जब इंजन ठंडा होता है तो लीन मिक्सचर होता है उसको इग्नाइट करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज फ्यूल मे नॉट वेपराइज सफिशियंटली, क्योंकि फ्यूल सफिशियंटली वेपराइज नहीं होता। अंडर दिस कंडीशन द मिक्सचर इज रिच टू ब्रिंग इट टू इग्नाइटेबल, इसलिए हमको रिच मिक्सचर हमको उसमें लाना पड़ता है टू इग्नाइट द इग्नाइटेबल रेंज, टू ब्रिंग इट टू द इग्नाइटेबल रेंज, ताकि वो इग्नाइट हो सके। दिस इज डन बाय द इंजेक्शन टाइम और बाय द यूज ऑफ ए चोक विद कार्बोरेटेड इंजन। आपने बाइक में देखा होगा चोक लगा होता है, वो क्यों लगा होता है? टू फॉर स्टार्टिंग द कोल्ड स्टैंड टू प्रोवाइड द रिच मिक्सचर ऑफ रिच एयर फ्यूल मिक्सचर, रिच मिक्सचर ऑफ द फ्यूल। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ गैसोलीन वोलेटिलिटी। हाउ वी मेजर द गैसोलीन वोलेटिलिटी? टेस्ट यूजुअली डिफाइंड रीड वेपर प्रेशर, एएसटीएम डिस्टिलेशन टेस्ट एंड वेपर लिक्विड रेशियो टेस्ट। दूसरा, अब ये रीड वेपर प्रेशर क्या है? ऑब्टेन टू एट एयर टू लिक्विड रेशियो 4:1 एंड टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 4:1 एंड टेम्परेचर 37.8। फ्यूल इज फिल्ड इन टू ए मेटल चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू एन एयर चैम्बर एंड दैट इज कनेक्टेड टू ए प्रेशर केज। द एपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर बाथ एट 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज शेकन अंटिल कॉन्स्टेंट रो इज ऑब्टेंड। ये आप प्रोसेस है कैसे होता है ये देख लेना। फॉर गैसोलिन अवेलेबल आर वी पी रीड वेपर प्रेशर 0.7 bar इन समर एंड 0.9 bar इन विंटर, ठीक है। तो ये आरवीपी क्या है? टू मेजरमेंट ऑफ द गैसोलीन वोलेटिलिटी को मेजर करने का एक टेस्ट है। एएसटीएम डिस्टिलेशन प्रोसेस दूसरा टेस्ट क्या है? एएसटीएम डिस्टिलेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द हीट इनपुट, डिस्टिलेशन कर्व इज प्लॉटेड, ठीक है। डिस्टिलेशन रेट कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय द हीट इनपुट के द्वारा, एंड हीट इनपुट एंड डिस्टिलेशन कर्व इज फिर प्लॉट करते हैं हम। हीट इनपुट वेरी कर करके हम डिस्टिलेशन कर्व प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर वर्सेज इवेपोरेशन। सेकेंड जो है एंटीनोक क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन। एंटीनोक क्वांटिटी क्या होती है, या नॉकिंग तो आपको पता ही हो क्या होती है। तो नॉक ऑकर्स व्हेन द अनबर्न्ड गैसेस हेड ऑफ फ्लेम फ्रंट द एंड गैसेस स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट कॉजिंग ए सडन राइज इन प्रेशर अकॉम्पनीड बाई ए कैरेक्टरिस्टिक प्लंजिंग साउंड। दिस रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ पावर एंड कैन लीड टू डैमेज द इंजन। तो और नॉकिंग क्या होती है, अगर अनबर्न गैसेस आपकी बर्न हो रही है कंबशन के दौरान, अनबर्न गैसेस निकल रही है, तो क्या होगी, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा और उसको नॉइज प्रोड्यूस करेगा, और हेड ऑफ फ्लेम फ्रंट स्पॉन्टेनियस इग्नाइट, अनबर्न गैसेस पहले ही इग्नाइट हो जाती है कॉजिंग ए सडन राइजिंग। उससे क्या होता है, सडन राइजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों होता है बाय ए कैरेक्टरिस्टिक पिंजिंग साउंड, जो कि एक सैंड, उस समय प्रेशर राइज होगा टेम्परेचर राइज होगा तो साइंड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दिस रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ पावर एंड कैन लीड टू डैमेज, और ये साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉकिंग होती है, तो पावर का लॉस होगा, ऑब्वियस है पावर का लॉस होगा और डैमेज इंजन को डैमेज करेगा। सेकेंड है एंटी नॉकिंग में क्या होता है, एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ इंजन। कंबशन चैम्बर शेप, स्पार्क प्लग लोकेशन, इग्निशन टाइमिंग, एंड गैस टेम्परेचर, इन सिलेंडर गैस मोशन, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द मिक्सचर, फ्यूल स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा, इफेक्ट द ऑक्यूरेंस ऑफ द नॉक। अब क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है नोक को? कंबशन चैम्बर की शेप हो गया, स्पार्क प्लग लोकेशन हो गया, इग्निशन टाइमिंग हो गया, एंड गैस टेम्परेचर हो गया, इन सिलेंडर गैस मोशन हो गया, एंड एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द मिक्सचर हो गया,
फ्यूल स्पेसिफिकेशंस हो गई एक्सेट्रा अफेक्ट था, और भी सारे पैरामीटर्स है वो आपने कंबशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, कंबशन वाले चैप्टर में आएंगे वो, है ना। कंप्रेशन रेशियो ऑफ द इंजन ऑल्सो स्ट्रॉन्गली अफर्ट इफेक्ट नोक, जो कंप्रेशन रेशियो भी नोक को इफेक्ट करता है। द हायर द सी आर द बेटर द थर्मल एफिशंसी बट द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द नोक टू ओकर। अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होगा तो उसमें क्या प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा तो उसमें नोकिंग भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, बट ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर द नोक टू ओकर। बट लेकिन उससे हमकी थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कंबशन रेशियो अगर ज्यादा है तो थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव भी होती है, अगर थोड़ा सा भी साउंड प्रोवाइड हो तो वो थर्मल एफिशिएंसी वाला अगर इंप्रूव हो रही है तो वो ज्यादा ठीक है। इसके बाद है क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो व्हेन नोक स्टार्ट, सो हायर फ्यूल ऑक्टेन क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हेन नोक स्टार्ट होती है जो क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो, तो हायर फ्यूल ऑक्टेन वैल्यू क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। फ्यूल ऑक्टेन क्वालिटी, जो फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए फॉर द क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, देन इसके बाद ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड गैसेस कॉजेज अ रैपिड इंक्रीज ऑफ पी प्रेशर, प्रेशर प्रोड्यूसिंग पी प्रेशर वेव्स व्हिच रेजोनेट इन द कंबशन चैम्बर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिटवीन 5000 टू 8000 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द चैम्बर विच इज डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द चैम्बर। ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड गैसेज कॉजेज अ रैपिड इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ऑटो इग्निशन भी गैसेस का हो जाता है, नॉकिंग नॉक होता है तो वो प्रेशर उससे क्या हो जाएगा, ऑटो इग्निशन कब हो जाता है, क्योंकि गैसेस मूव फ्यूल मूव कर रहा है एंड गैसेस है वो ऑटो इग्नाइट हो जाती है तो उससे क्या प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रोड्यूसिंग प्रेशर वेव्स विच रेजोनेट इन द कंबशन चैम्बर, उससे प्रेशर वेव जनरेट होती है और वो कंबशन चैम्बर में रेजोनेट प्रोवाइड क्रिएट करती है एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 5000 टू 8000 डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द विच इज डिपेंड ऑन द जो ये जो एंड गैसेस है रेजोनेट है वो कंबशन चैम्बर की ज्योमेट्री पे या शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद है नोक रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द सिलेंडर एंड कॉजेज सेवियर डैमेज टू इंजन कंपोनेंट लाइक सिलेंडर हेड गैसकेट पिस्टन स्पार्क प्लग्स। ठीक है, नोक से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कॉजेज सेवियर डैमेज टू इंजन कंपोनेंट। अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है तो जो पार्ट्स है उनको डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो विच विल इफेक्ट द विच विल कोरोज द इरोड द मेटल ऑफ द जो इंजन कंपोनेंट, मेटल ऑफ द इंजन कंपोनेंट लाइक सिलेंडर हेड गैसकेट पिस्कट स्पार्क प्लग। हेलो, ठीक है ना यहाँ तक? अब ऑक्टेन नंबर क्या होती है, व्हाट इज, ये सारे जो है नॉकिंग के एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ द नॉकिंग क्यों होती है, कैसे होती है, कब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो इग्निशन क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करती है नॉकिंग, ये सब इसमें सब कुछ आ गया आपको। कंप्रेशन रेशियो अगर हाई है तो नॉकिंग ज्यादा होगी, कंप्रेशन चैम्बर शेप स्पार्क प्लग लोकेशन इग्निशन टाइमिंग एंड गैस टेम्परेचर इन सब पे नॉकिंग डिपेंड करती है। ऑटो इग्निशन भी पॉसिबिलिटी होती है, उसकी वजह से प्रेशर वेव जनरेट हो जाती है ऑटो इग्निशन की वजह से, उससे भी आपकी नॉकिंग प्रोवाइड नॉकिंग जनरेट हो जाएगी, नॉकिंग विल देयर एंड ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो नॉकिंग से डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं सिलेंडर इंजन कंपोनेंट्स के। अब है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर का है इसमें जो इसमें दे रखा है, कब इसको ऑक्टेन नंबर का डिफाइन किया था ये, इसके बाद है ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन ए ब्लेंड विद एन हेप्टेन। ऑक्टेन नंबर क्या होती है, इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन ए ब्लेंड विद एन हेप्टेन दैट शोज द सेम एंटीनो परफॉर्मेंस एज टेस्ट फ्यूल टेस्टेड इन स्टैंडर्ड इंजन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। It is the percentage of isooctane in a blend with an heptane that shows the same anti-knock performance, जो same the anti-knock performance as test fuel tested in standard engine and standard octane number वो होती है जहाँ पे fuel आपका कोई anti-knock performance provide करता है standard engine and standard conditions पे, मतलब octane number certain octane number का fuel होगा तो उसकी जो knocking है वो possibility knocking नहीं होगी उसमें, ऑक्टेन नंबर पर डिपेंड करेगा उसका, ऑक्टेन नंबर प्रॉपर होना चाहिए फ्यूल का तो उसमें नॉकिंग पॉसिबिलिटी कम होगी। इंपॉर्टेंट फ्यूल स्पेसिफिकेशन फॉर डीजल,
अब ये डीजल के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशन है, लाइक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्यूल इंडिकेट्स इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, हायर द विस्कोसिटी द ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ फ्यूल इंडिकेटर, विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो ग्रेटर द रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट मे बी एक्सप्रेस एज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी पॉइज पी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर, यूजुअली गिवन एट 20 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर से कैसे इनवर्सली वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। फ्यूल ऑटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी 2 टू 8 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट सेंटी स्ट्रोक्स, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूल ऑटोमाइजेशन डिपेंड ऑन विस्कोसिटी, जो फ्यूल का ऑटोमाइजेशन भी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, लोअर द विस्कोसिटी स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स इन द स्प्रे, ये पहले भी आ चुका है। इसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज ए पैरामीटर विच अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स इन स्प्रेज, फॉर्मेशन ऑफ विच अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल ड्रॉपलेट्स इन द स्प्रेज, सरफेस टेंशन जो लोअर द वैल्यू स्मॉलर द ड्रॉपलेट डायमीटर, अगर वैल्यू सेम है स्मॉलर द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, अगर विस्कोसिटी से तो क्या हो रहा है स्मॉलर द, अगर लो कम विस्कोसिटी है तो स्मॉलर डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट्स होगा, और इससे सरफेस टेंशन भी अगर कम है तो भी स्मॉलर द ड्रॉपलेट डायमीटर, ड्रॉपलेट का डायमीटर कम होगा। डीजल फ्यूल 0.023 और डीजल की विस्कोसिटी कितनी होती है 0.023 से 0.032 न्यूटन पर मीटर। सीटेन नंबर, सीटेन नंबर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल, सीटेन नंबर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इग्निशन क्वालिटी ऑफ द डीजल फ्यूल। रनिंग ऑन लो सीटेन नंबर विल प्रोड्यूस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम्स, अगर लो सीटेन नंबर है तो प्रोड्यूस कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, कोल्ड स्टार्ट मतलब सर्दियों में ये स्टार्ट प्रॉब्लम आएगी अगर लो सीटेन नंबर है तो। पीक सिलेंडर प्रेशर, कंबशन नॉइज एंड हाई कार्बन हाइड्रोकार्बन इमिशंस विल इंक्रीज, मोर फ्यूल विल बी इंजेक्टेड बिफोर इग्निशन, लेस टाइम फॉर कंबशन। और क्या होगा अगर लो सीटेन नंबर है तो पीक सिलेंडर प्रेशर जनरेट होगा, कंबस्टिबल नॉइज एंड हाई हाइड्रोकार्बन एमिशन विल इंक्रीज, मोर फ्यूल विल बी इंजेक्टेड बिफोर इग्निशन, लेस टाइम फॉर कंबशन हमको मिलेगा। तो डीजल में होती है सीटेन नंबर और पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होती है, हायर सीटेन नंबर रिजल्ट्स इन सूनर इग्निशन, हायर अगर सीटेन नंबर है तो इग्निशन और आपका जल्दी क्विकली हो जाएगा। एक्सट्रीमली हाई सीटेन नंबर में इग्नाइट बिफोर एडिक्वेट फ्यूल, और अगर बहुत ही ज्यादा सीटेन नंबर है तो वे इग्नाइट बिफोर एडिक्वेट फ्यूल एयर मिक्सचर, जो एडिक्वेट फ्यूल एयर मिक्सचर है उससे पहले ही इग्निशन इग्नाइट हो जाएगा फ्यूल। कैन टेक प्लेस हायर एमिशंस और हायर एमिशंस विल बी देयर। पावर आउटपुट कैन बी रिड्यूस्ड इफ बर्निंग स्टार्ट टू अर्ली, और अगर हायर बहुत ज्यादा हायर सीटेन नंबर है तो पावर आउटपुट कैन बी रिड्यूस्ड इफ बर्निंग स्टार्ट, अगर बर्निंग पहले ही बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो सभी चीज टाइम पे होना जरूरी है, अगर कोई भी चीज टाइम से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो देर विल बी ए 100% देर विल बी ए लॉस, लॉस ऑफ द एफिशिएंसी, लॉस ऑफ द फ्यूल, लॉस ऑफ द एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सीटेन नंबर, अब सीटेन नंबर कैसे मेजर करते हैं, सीटेन नंबर इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द इग्निशन डिले टाइम of the sample fuel with a mixture of cetane and alpha methyl naphthane, the cetane percentage in the mixture gives the cetane number of the sample fuel. By comparing the ignition delay time of the sample fuel with a mixture of cetane and alpha methyl naphthane, cetane number of the reference fuel cetane is arbitrarily set at 100 and of alpha methyl naphthane at 0. CFR engine is used to measure the compression ratio at which ignition starts. CR is gradually increased, compression ratio is gradually increased while the engine is driven by an electric motor. A curve of Cetane number versus critical compression ratio is obtained. ठीक है, तो compression ratio measure करने के लिए CFR engine use में लेते हैं,
उसके बाद सी आर इज ग्रेजुअली कंप्रेशन रेशियो हम इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करते हैं वाइल द इंजन इज ड्राइवन बाय एन और इंजन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव कराते हैं। तो एक कर्व फुल हम एक कर्व प्लॉट करते हैं सीटेड नंबर वर्सेस क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो इज ऑब्टेंड हमको प्रोवाइड होता है। इनलेट एयर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनलेट एयर टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस समय इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एन इजियर एंड प्रैक्टिकल मेथड टू ऑब्टेन सीटेड नंबर इज बाय कैलकुलेटिंग द डीजल इंडेक्स। कैलकुलेटिंग द डीजल इंडेक्स इंक्रीजिंग द डीआई डीजल इंजेक्शन इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू इग्नाइट। तो एन इजियर एंड प्रैक्टिकल मेथड टू ऑब्टेन सीटेड नंबर का इजियर मेथड था इज बाय कैलकुलेटिंग द डीजल इंडेक्स। डीजल इंडेक्स मेजर करेंगे कैसे मेजर करेंगे द इंक्रीजिंग द डीआई इंक्रीजिंग इंक्रीजेस द टेंडेंसी टू इग्नाइट। अगर डीआई हमें डीजल इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी टू इग्नाइट विल इंक्रीज। ठीक है if the diesel index is increased then the tendency to ignite will be increased। ab diesel index kaise nikalte hain wo aapke abhi syllabus mein nahi hai to aap kabhi aage aap padhoge to fir aapko pata chal jayega ya fir khud aap dekh lena diesel index kya hota hai net pe search karke। ye yahan tak hai aapka aaj alternative fuel aaj aapka complete ho gaya hai to abhi itna hi rakhte hain hum आज के लिए इतना ही वो काफी है। आपकी अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। ओके थैंक यू सर।